बचाओ, कोई बचाओ, ये मुझे मार देगा। बचाओ मुझे, मेरा सर चकरा रहा है। कभी सोचा है जब तुम जैसे लोग स्त्रियों को पीड़ा पहुंचाते हैं तो उन्हें कैसा लगता होगा? अभी तो केवल सर चकरा रहा है, सांस नहीं ले पा रहे हो, किंतु थोड़ी ही देर में धुएं के कारण रक्त का भाव मस्तिष्क में कम होगा। सर भारी होगा, हाथ पैर शिथिल हो जाएंगे और ऐसा अनुभव होगा जैसे सहस्त्रों सैया एक साथ तुम्हारे शरीर में चुबाई गई हो। बहुत पीड़ा होगी। किंतु सच कहूं तो मैं ये नहीं चाहता कि तुम इस पीड़ादायक अनुभव को भोगो। मैं तो केवल इतना चाहता हूं कि तुम अपने अपराध को स्वीकार करो और अपनी पत्नी के पास लौट जाओ और उसे बताओ कि उसके साथ दुर्व्यवहार करने के लिए तुम लज्जित हो और क्षमा याचना तुम केवल उसके नहीं अपितु समूचे नगर के सामने करोगे। और साथ ही तुम ये वचन भी दोगे कि फिर कभी भविष्य में तुम ऐसा नहीं करोगे, सदैव स्त्रियों के हित में उनका साथ दोगे, उनके सशक्तिकरण के लिए सहयोग करोगे। देखो तुम भली भांति जानते हो कि मैं नगर सेठ का पुत्र हूँ। इस अपराध के लिए तुम्हें भारी दंड मिलेगा। मेरी पत्नी के सम्मान के लिए तुम क्यों अपने आप को संकट में डाल रहे हो? मेरे लिए केवल इतना जानना पर्याप्त है कि वो एक स्त्री है और उन पर अत्याचार हो रहा है, क्योंकि जब तुम जैसे लोग स्त्रियों को उचित सम्मान देंगे केवल तभी देवी सीता को वो सम्मान मिलेगा जिसकी वो अधिकारी है। तुम्हारी सोच बदलेगी तभी समाज में लोगों की विचारधारा बदलेगी। अर्थात मैं अपनी पत्नी को सम्मान दूं ताकि उस सीता को सम्मान मिल सके। हाँ। कदापि नहीं। मुझे सीता जैसी चरित्रहीन स्त्री के लिए कुछ भी करने में कोई रुचि नहीं। अरे जिसके अपने पति ने उसे अपने राज्य से, अपने जीवन से निष्कासित कर दिया हो, ऐसी स्त्री के लिए भला मैं चिंता क्यों करूं? अगर तुम कोई और कारण बताते तो मैं अपने प्राण बचाने के लिए अपनी पत्नी से क्षमा मांग भी लेता, पर सीता के लिए मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं मर जाऊंगा पर उसका उत्थान नहीं होने दूंगा। मौन हो जाओ। तुम तो सत्य के दूत हो, सत्य का प्रचार प्रसार करते हो, तो फिर उस सत्य को सुनने का साहस भी तो रखो। ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है। अच्छा, तुम्हारा सत्य सत्य है और मेरा सत्य झूठ। एक बात स्मरण रहे, अयोध्या की दृष्टिकोण में सीता चरित्रहीन थी, है और सदैव रहेगी। तुम चाहे जो कर लो, सीता के प्रति हमारा दृष्टिकोण नहीं बदलेगा और तुम भी नहीं बचोगे। बचाओ, कोई मेरी सहायता करो, ये मुझे मार डालेगा। कुश, कुश, कहो तुम कुश, कुश। बचाओ, कोई है, मेरी सहायता करो।
ये अंतिम अवसर है, अब भी समय है। देवी सीता के विरुद्ध कहे अब शब्द वापस ले लो, वचन दो अपनी पत्नी का सम्मान करोगे। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। तो ठीक है, मैं भी प्रतीक्षा नहीं कर सकता। मैं तुम्हें अभी इसी क्षण दंड दूंगा और यही अभी होगा तेरा अंत। रुको कुश, बचाओ ऋषि पुत्र, मेरी रक्षा करो। तुम तो दयालु हो, कृपा कर मुझे अपने इस क्रूर भाई से बचाओ। नहीं भैया, आप ऐसा नहीं करोगे। हमारे अनुबंध के अनुसार हम दोनों अलग अलग मार्ग पर चलेंगे, पर लक्ष्य एक होगा और एक दूसरे के मार्ग की बाधा कभी नहीं बनेंगे। आप यह अनुबंध नहीं तोड़ सकते। मेरे लिए मेरा अनुबंध नहीं, मेरे भाई से संबंध बड़ा है और मैं अपने अनुज को अपराध करते नहीं देख सकता। फिर तुम्हारे अनुबंध से पूर्व एक अनुबंध मैंने अपनी माँ के साथ लिया था कि उन्हें उनका सम्मान लौटाऊंगा उचित मार्ग पर चलकर, और वही मान मैं उन्हें दिलाने आया हूँ। छोड़ दो इसे कुश। नहीं भैया, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। भैया आप ये ठीक नहीं कर रहे। आप नहीं जानते कि इसने सीता माता के विषय में कैसी कैसी बुरी बुरी बातें कही है, और वो मैं जानना भी नहीं चाहता। इसकी नीचता का अनुमान है मुझे। मैं तुम्हें गिरने नहीं दे सकता कुश। आप ये अनुचित कर रहे हो भैया। नहीं भैया, भैया आप ऐसा नहीं करोगे। भैया आप भली भांति जानते हो कि वो नीच है, किंतु फिर भी आप उसका पक्ष क्यों ले रहे हैं? मैं इसका पक्ष नहीं ले रहा हूँ कुश, परंतु ये राम राज्य है। यहाँ पर दंड नायक केवल श्री राम है, उन्हें केवल दंड देने का अधिकार है। भैया व्यर्थ प्रयास मत करो कुश, तुम तो जानते हो मेरी गति, रोक नहीं पाओगे मुझे। आपकी गति तो मेरी शक्ति है भैया। जाओ, भागने का प्रयास मत करना। तुम मेरे बंदी हो, यदि भागोगे तो मैं तुम पर बाण चला दूंगा।
मेरी भी अंतिम चेतावनी है कुछ कि जाने दो इसे। इससे पहले कुछ ऐसा हो जिससे माँ को पीड़ा पहुंचे, अपने शस्त्र त्याग दो। जाओ नगर सेठ पुत्र, तुम्हें मेरा अभय दान है, भागो। परंतु वो मेरा भाई है, मेरे रहते तुम पर शस्त्र नहीं चलाएगा, भागो। हनुमान, आप अब तक यही हैं? आप तो कुश को लाने जा रहे थे ना, क्या हुआ, कोई समस्या है? अब समस्या कैसे बताऊं प्रातः शत्रुघ्न, एक ओर मैं किसी को यह सत्य भी नहीं बता सकता कि लव कुश प्रभु श्री राम के पुत्र हैं, दूसरी ओर मैं प्रभु श्री राम के आदेश की अवहेला भी नहीं कर सकता, और कहीं अनजाने में प्रभु श्री राम अपने पुत्र को ही दंड ला देते। क्या सोच रहे हो हनुमान? कुछ नहीं, आप तो पवन पुत्र हैं, भैया श्री राम के आदेश को पूर्ण करने के लिए आप पूरे ब्रह्मांड को तीन पग में समेट सकते हैं, पर फिर भी अब तक आप कुछ को यहां ला नहीं पाए, क्यों हनुमान? अब आपसे क्या छुपाना प्रातः शत्रुघ्न, ये पहला अवसर है जब मेरा मन अपने प्रभु के आदेश का पालन करने की आज्ञा नहीं दे रहा है, और इस बात से हम सब अवगत भी हैं, कुछ ने जो कुछ भी किया पूर्णतः अनुचित नहीं है, खुद अपने पिता समान राजा का, उनकी देवी समान पत्नी का पुनर्मिलन करवाना चाहता है, उसकी मंशा पवित्र है। किंतु आप तो भैया राम को भली भांति जानते हैं, न्याय के समय उन पर किसी भावना का कोई प्रभाव नहीं होता, उनके निर्णय निष्पक्ष और न्यायोचित होते हैं, इसीलिए संसार में लोग उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं और न्याय और सत्य के लिए उन्हें आदर्श मानते हैं। आपने उचित कहा शत्रुघ्न, मुझे अपने कर्म के मार्ग पर भावनाओं को नहीं लाना चाहिए था, आपके परामर्श के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। महाबली, हम दोनों भाग्यशाली हैं। आप भाग्यशाली इसलिए हैं क्योंकि आप ये नहीं जानते कि लव कुश भैया श्री राम के पुत्र हैं, और मैं भाग्यशाली इसलिए हूं क्योंकि भैया राम ने कुश को लाने के लिए मुझे आदेश नहीं दिया। कदाचित इस सत्य को जानते हुए मैं उनके आदेश का पालन नहीं कर पाता। ये क्या हो रहा है? श्री राम अयोध्या लौट आए हैं, अब न्याय होगा। उन्होंने ही हनुमान जी को आदेश दिया है कि वो कुश को पकड़ कर ले आए, और फिर श्री राम कुश को नगर सेठ के पुत्र पर आक्रमण करने के अपराध के लिए दंडित करें। महाराज, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है अब मैं मेरे पुत्र को कभी जीवित नहीं देख पाऊंगा। शांत हो जाइए नगर सेठ, अभी अभी आपने ही मुझसे कहा कि विकट से विकट परिस्थितियों में भी आपने संयम और धैर्य के साथ अयोध्या की प्रजा का मार्गदर्शन किया। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आप उसी धैर्य और संयम का प्रदर्शन कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके पुत्र को कुछ नहीं होगा और आपको न्याय अवश्य मिलेगा। पिताश्री,
बचकर आ गया पिताश्री। महाराज की वाणी ब्रह्मवाणी। महाराज आपने ठीक कहा था महाराज, मेरा मेरा पुत्र लौट कर आ गया महाराज। कदाचित तभी लोग कहते हैं कि आपके मुख से निकला हुआ प्रत्येक शब्द पत्थर की लकीर है महाराज, पत्थर की लकीर है। पुत्र तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें तुम्हें चोट तो नहीं आई पुत्र? ये घाव देख रहे हैं महाराज आप? ये घाव उसी कुश के बाण ने दिया है। अपने बल का भय दिखाकर कुश ने उसे बंदी बनाया और उसका हरण किया महाराज। महाराज वो कुश होता कौन है, इनको दंडित करने वाला? ये कहां का न्याय है महाराज? अयोध्या के न्याय का अपमान करने का अधिकार उस कुश को किसने दिया महाराज? बताओ पुत्र, बताओ महाराज को क्या किया उस कुश ने तुम्हारे साथ? और यहां किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, ये राम राज्य है, यहाँ केवल राजा राम का न्याय शासन चलता है, किसी धनुष बाण का नहीं। क्या बताऊं महाराज, उस कुश ने मेरे प्राण लेने के भरसक प्रयास किए, मुझे अनेकों यातनाएं थी, मुझे वृक्ष पर उल्टा लटका दिया, मेरी आंखों में धुआं दिया, मेरे शरीर पर चीटियां छोड़ दी और मुझे लकड़ी के डंडे से मारा। मेरी ऐसी दुर्दशा कि मैं आपको बता नहीं सकता महाराज। इतनी यातनाओं के बाद वो तो मुझे मारने ही वाला था, वो तो उचित समय देखकर मैं अपने प्राण बचाकर वहां से भाग निकला, अन्यथा मैं तो आज मारा ही जाता। झूठ। ये झूठ बोल रहा है महाराज, कुश निर्दोष है। नगर सेठ के पुत्र को जाने देकर आपने बहुत बड़ी भूल कर दी है भैया। आपने अपना वचन तोड़ा, मैं आपके मार्ग में नहीं आया पर आपने मेरा मार्ग काटा। अब आपने मेरे समक्ष और कोई विकल्प नहीं छोड़ा है भैया। माँ